रिक्शा चालक के बेटे ने भरी सबसे ऊंची उड़ान। देश के इस कोहिनूर पर हर किसी को है नाज। 16 साल का वैज्ञानिक इसरो में दिखाएगा दमखम। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत ही नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इस संगठन ने अपने दमखम से पूरी दुनिया को हैरान किया है। दुनिया में इस संगठन की अपनी धाक है। भारत एक ऐसा देश है जो प्रतिभाओं से भरा हुआ है। देश के किसी भी कोने में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अपने टैलेंट के ही दम पर भारत के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा में बड़ी संख्या में भारत के वैज्ञानिक हैं। उसकी वजह यह है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में प्रतिभा निखारने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हीरों की चमक छुपाए नहीं छुप रही है। और बिहार के एक रिक्शा चालक के बेटे ने किया है ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। दुनिया को ये यकीन हो गया है कि भारत जल्द ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा, क्योंकि इस देश के बच्चे अब सैटेलाइट बनाने से लेकर स्पेस में अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुके हैं। तो आखिर बिहार के इस लाल ने क्या किया है कमाल, क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, भारत के बढ़ते दमखम से दुनिया क्यों हैरान है। तो दोस्तों, बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान विधा के छात्र हर्ष राजपूत का चयन इसरो के RLV रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये RLV क्या है और हर्ष इस मिशन में क्या करेगा। तो दोस्तों, यह शटल रॉकेट होगा जो स्पेस मिशन पर जाएगा और वापस धरती पर किसी जहाज की तरह लैंड करेगा। अब तक भारत के पास ऐसे ही रॉकेट हैं जो एक बार प्रयोग के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में पूरे भारत से करीब 3,500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है, लेकिन किलकारी का ये छात्र हर्ष राजपूत उनमें सबसे छोटा है। हर्ष की उम्र महज 16 साल है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विज्ञान के इस छात्र को ऑर्बिट एक्स इंडिया एरोस्पेस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दोबारा प्रयोग होने वाले रॉकेट तैयार करने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि बिहार बाल भवन किलकारी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, बिहार बाल भवन किलकारी राज्य सरकार की ओर से संचालित होने वाली संस्था है जो बच्चों की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, अगर हर्ष के परिवार की बात करें तो हर्ष के पिता शंभू सिंह ई रिक्शा चलाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी पिता के हाथों में है। हर्ष की एक छोटी बहन 8वीं क्लास में पढ़ रही है। हर्ष की माता गृहिणी है। हर्ष के अंदर विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। हर्ष ने कोविड काल में बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ऐसा मास्क बनाया था जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो आखिर उस मास्क की क्या थी खासियत, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों, इसका नाम एंटी सफोकेशन मास्क था। फैन मॉड्यूल वाला यह मास्क तापमान, CO2 और नमी के स्तर को कम करता है। यह हानिकारक वायु जनित प्रदूषण से सुरक्षित हवा देता है। यह हर मिनट 240 लीटर तक साफ हवा प्रदान कर सकता है, जो वयस्क लोगों के लिए पर्याप्त है। इसकी कीमत 600 से 700 रुपए है। इतनी छोटी आयु में इस तरह का बड़ा काम सबको हैरान कर रहा है। हर्ष अटल यान के एयर ब्रीदिंग सिस्टम रिसर्च बोर्ड में 3 माह इंटर्नशिप कर चुके हैं। इन्हें ऑर्बिट एक्स से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और अनुसंधानकर्ता का सर्टिफिकेट मिला है। इसी दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने हर्ष की प्रतिभा को पहचान लिया था। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तमाम ऐसे होनहार टैलेंट डिस्करेजमेंट और मिसगाइडेंस का शिकार हो जाते हैं। अगर देश के सभी बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड मिले तो वो इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर इस 16 साल के बच्चे हर्ष द्वारा अटल यान परियोजना में क्या जिम्मेदारी निभाई जाएगी, इस परियोजना के पीछे इसरो का क्या उद्देश्य है और इसरो इसमें कितना आगे बढ़ चुका है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अटल यान के लिए चुना गया नन्हा वैज्ञानिक। दोस्तों, अटल यान एक पुनः प्रयोग के 2 फेजों वाला रॉकेट बनेगा। इसे ऑर्बिटेक्स के द्वारा डिजाइन और निर्माण किया जाना है। यह कंपनी DRDO और इसरो से जुड़ी है। अटल यान के एयर ब्रीदिंग सिस्टम रिसर्च बोर्ड में हर्ष को काम करने का अवसर मिलेगा। हर्ष बताते हैं कि यह वायु श्वास सिस्टम है। एक वायु श्वास रॉकेट इंजन तकरीबन आधी उड़ान के लिए हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अटल यान प्रोजेक्ट 6 बोर्डों में बटा हुआ है। हर बोर्ड के लिए एक सहायक निदेशक और एक मेंटर शोधकर्ता रखे गए हैं, जो शोध
उपयोगकर्ताओं का गाइडेंस करेंगे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लगातार दुनिया में अपनी धमक से दुनिया को हैरान कर रहा है और उसकी वजह देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। जिस देश में 16-16 साल के बच्चे साइंस के क्षेत्र में ऐसी उड़ान भर रहे हों, उसे महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले जब SSLV-D1 रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसमें एक सैटेलाइट आजादी सेट भी भेजा गया था, जिसे देश भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, रॉकेट में आखिरी समय में खराबी आ जाने की वजह से इसकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन जिस सैटेलाइट को इन छात्राओं के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी खास बातें आपको जरूर जानना चाहिए। 8 किलो वजनी इस उपग्रह में 75 फेम्टो एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरे लगाए गए थे, जो अपने सौर पैनलों और लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर की तस्वीरें क्लिक कर सकते थे। इसरो की 6 महीनों की अवधि के मिशन वाली यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा थी। स्पेस किड्स इंडिया ने बताया कि यह पहल छात्राओं की अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम सब्जेक्ट्स आदि में रुचि बढ़ाने को लेकर की गई थी, ताकि छात्राएं और महिलाएं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने को प्रोत्साहित हों। यह सभी महिलाओं की अवधारणा के साथ अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, क्योंकि इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की थीम अंतरिक्ष में महिलाएं हैं। इसके साथ ही भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जबकि मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। मिशन गगनयान पर दुनिया भर के वैज्ञानिक नजर गड़ाए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि गगनयान के पीछे पीएम मोदी और इसरो का बड़ा मकसद है। दोस्तों, आखिर इस गगनयान के पीछे मोदी का क्या प्लान है, क्यों दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर इस पर है? तो दोस्तों, गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता हासिल करना चाहता है और उसका अगला कदम स्पेस स्टेशन बनाना है, क्योंकि दुनिया की दौड़ में अंतरिक्ष की ताकत आज के दौर में बेहद जरूरी है। चीन जैसे देश के दुश्मनों ने अंतरिक्ष पर अपना स्टेशन पहले ही बना लिया है, इसलिए अब भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाए। रूस और अमेरिका के भी स्पेस स्टेशन है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कई देशों ने मिलकर डिजाइन किया था और बहुत सारे देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, तो पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से किनारा करना शुरू कर दिया। रूस इन मामलों पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसने पहले ही अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लगातार अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स बने रहते हैं। अभी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर स्पेस से नासा ने भारत को शुभकामनाएं भेजी थी और इसरो को मिशन गगनयान के लिए भी शुभकामनाएं भेजी थी। दोस्तों, अब जब देश के नौनिहाल स्पेस में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत स्पेस की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, इसरो के इस नन्हे वैज्ञानिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।